ये इसने तीन और चार के बीच में एक लाइन बता दी हमें किस आईडी पे, यानी ट्रेंड इससे जो है ना आदमी को ट्रेंड पता लगता है कि हमारी कटिंग अब जैसे ये जगह है तो ये लाइन किसकी है, ये कट की है और ये लाइन किसकी है, ये फिल की है। अच्छा तो कल मतलब वो इस आईडी पे पता ये लग रहा है कि यानी कट इतना ज़्यादा है और ये फिल मामूली करके, यानी ये सेंटर लाइन है तो ये नीचे की लाइन यानी नीचे का पोर्शन वो कट को नॉर्मली कट को शुरू कर रहा है और यहाँ फिल को, फिर यहाँ पे कट यहाँ पता लग गया है कि साड़ी पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे फिल बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है ना जी, ऐसे ही हैं तो इसमें ऑप्शन है वो डॉक्यूमेंटेशन में तो नहीं लिखा हुआ क्या लोड और तमाम इस जगह पे ये जैसे ये जगह है, तो उस पर डिपेंड करते हैं ना, वो तो साइडों पे भी और तो फिर सेंटर लाइन की वैल्यू तो हम ये सबसे पहले ये हमने कौन सिलेक्टेड सेक्शन वहाँ से उठाया था डेटा। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास आप इसको बता सकते हैं एक्सेल के अंदर अगर डेटा मॉडल डबल क्लिक करें तो वो लोड एरिया के ये जो है तो हम क्या सिलेक्टेड सेक्शन यानी जो सेक्शन हमने यहाँ सेलेक्ट किए हैं वहाँ से हमने लिस्ट ले ली है और फिर उसके बाद से क्लियर करते हैं, फिर प्रोफाइल लेते हैं, पहली लाइन ही लेनी हमारे डायरेक्ट एक प्रोफाइल है तो आर डी और क्या लेते हैं ये किस प्लांट कर रही है मसलन तीन और हम कहते हैं चार के बीच प्लाटिंग करें एक्सेल कनेक्ट नहीं है या इसको क्लोज करें तीनों कहीं एक लाइन बता रही है हमें कि इसमें क्या है आप कनेक्ट इससे जो है ना आदमी को ट्रेंड पता लगता है कि हमारी कटिंग अब जैसे ये जगह तो ये लाइन किसकी है, ये कट की है क्योंकि कनेक्ट नहीं है और ये लाइन किसकी है तो ये मतलब इस आईडी पे पता ये लग रहा है कि यानी कट कितना ज़्यादा है और फिल मामूली कर गया लोड डेटा, ये सेंटर लाइन है तो ये नीचे की लाइन तो नीचे का पोर्शन वो कट को कौन सी नॉर्मली कट नंबर है और यहाँ फिल को, फिर यहाँ पे कट लाइन वन यहाँ पता लग गया कि साड़ी पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे फिल बहुत ज़्यादा हो लाइन टू ले लेते हैं। ठीक है ना जी, ऐसे ही हैं तो इसमें ऑप्शन है वो डॉक्यूमेंटेशन में तो नहीं लिखा हुआ यहाँ और ये प्लाट करा लेते हैं तो ये क्या हमने ये यहाँ प्लाट हो एक्सेल से भी जाए तो इसको इस जगह प्लाट कर लेते हैं ये तो ये जो कल का मसला जैसे ये जगह है ना देखेंगे ये कट है यहाँ पे कट आ रहा है टू जगह कट में सेक्शन इसमें से वी अब ये तो उस पर डिपेंड करता है ना, वो तो साइडों पे भी और उस पर तो सिर्फ सेंटर लाइन की वैल्यूज हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, तो हम ये अभी इसमें एक ऑप्शन ये था कि हमने सिलेक्टेड सेक्शंस जो थे वहाँ से वो ये टॉपिक हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास है तो यानी एक्सेल के अंदर अगर मैं मल्टीपल मौजूद हो तो वहाँ से लेफ्ट राइट में मूव कर देते हैं, मतलब एक्सेल में हमारे बॉर्डर के कलर जो है तब्दील कर देते हैं, रीप्लॉट क्लासिफिकेशन करते हैं, लेबल्स रिमार्क्स ऑन सेक्शंस ये किया है यानी क्या और क्या प्रोफाइल पी तो इसमें रीप्लॉटिंग एरिया लेबल देखिए इसमें ये पहली लाइन ही लेनी बल्कि डायरेक्ट जो है तो आर डी हैं और एलिवेशन जो है तो वो लेनी है, इसे हम कहते हैं गेट प्रोफाइल। ये क्या मैसेज आ गया ये एक्सेल कनेक्ट नहीं है या क्रॉस सेक्शन लॉन्ग सेक्शन के ऊपर तो हमने किए थे मुझे याद नहीं आ रहा कि क्रॉस सेक्शन इसमें क्या है आर कनेक्ट इट मार्क्स ऑन आरिया स्टार्ट एलेक्स विंडो तो एक्सेल क्योंकि कनेक्ट नहीं है तो ये हम ये पिछला जो पेज है ना पेज वन में यहाँ से क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो है तो ईस्टिंग नॉर्दिंग लिखाने पर जाते हैं बाद क्रॉस सेक्शन होते हैं लंबे लंबे दरियाओं के डेटा आ गया क्रॉस सेक्शन होते हैं तो उसमें सर्वे के पॉइंट्स होते हैं तो वो कहते हैं कि वही ये नहीं है हर पॉइंट तो कौन सी जैसे आप ऑफसेट और एलिवेशन लिखते हैं तो हम तो आप वो भी लिखें क्या और ईस्टिंग नॉर्दिंग भी लिखें मिसाल के तौर पर यहाँ पहले से लिखे हैं मैं यहाँ मिटा देता हूँ और ये डिज़ाइन टूल और यहाँ और ये जाना तो प्लाट करा लेते हैं ठीक है हमने नहीं ये एक्सेल की फाइल एक्सेल से भी जो है तो इसमें इसको हम जो है तो प्लाट कर लेते हैं।